sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Everybody like the hate. Everybody like the hate. Rock you all and the lady. Rock you all and the lady. Okay, we're getting hella crazy. Okay, we're getting hella crazy. We gon' party like the hate. Everybody like the hate. व्हाट्सएप सो गाइस, तो कैसे आप लोग, आ चुका हूँ नए गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और ये गेम प्ले होने वाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड का। और इस गेम प्ले के लास्ट में एक AWM और एक AWM के बीच में फाइट होने वाला है। एक AWM मेरा पास आता है, एक AWM सामने वाला पास आता है। और सामने वाले पास AWM और एक टीममेट के पास SKS और एक टीममेट के पास M24। मतलब आप समझ ही सकते हो, तीन तीन स्नाइपर, मतलब एक तो SKS है लेकिन उसको स्नाइपर में ही जोड़ा जाता है। तो तीन तीन स्नाइपर के खिलाफ सिर्फ मैं एक AWM से मारूंगा उन लोग को, तब देखिएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं उतरा हूँ और मुझे मिला है SKS और विक्टर। और विक्टर में एक्सटेंडेड भी मिल चुका है, तो विक्टर में बिना एक्सटेंडेड का बहुत ही दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आ रहे थे लेकिन कोई भी पूछ नहीं कहा था, और मैं भी पूछ करना नहीं चाहता था क्योंकि थोड़ा लूट मिल जाता उसके बाद फिर मतलब पूछ करने में सही रहता। और यहाँ पे मैं इस घर को भी आराम से लूट लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाता हूँ, तभी मुझे इस घर पे एक बंदे का एक फुटस्टेप आता है। और यहाँ पे देखिए ये क्राउच करके ऊपर भाग रहा था। मैं इसे डैमेज देने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, रिलोड करके वेक्टर को नेट खींच के फेंकने के लिए बाहर जाता हूँ। और इस नेट से उसका बूम हो चुका है, तो उसका टीममेट भी आ रहा था और उसका टीममेट भी वहाँ पर खड़ा है, तो उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे इसे सीधा फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे जैसे आया था, मुझे इस सैक के अंदर से फुटस्टेप आता है और वो VSS भी चला रहता है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेट फेंकने का सोचता हूँ और यहाँ पर मैं नेट फेंक देता हूँ। और इस नेट से भी उस बंदे का बूम हो चुका है, तो यहाँ पे दो नेट से मैंने बूम किया है। एक ही शायद टीम का होगा या फिर अलग भी हो सकता है, इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। तो उसके बाद मैं जॉर्ज पुल आ जाता हूँ खोजते हुए बंदे लोगों को। तो यहाँ पे मुझे एक बॉट मिलता है जिसे कोई मैं मार देता हूँ, और उसके बाद एक और बॉट रहता है, या बॉट या रियल नहीं पता, बॉट ही होगा, तो उसे मैं मार देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे निकलता हूँ तभी सिटी से फायर का साउंड सुनाई देता है। और यहाँ पे रहते हैं मतलब एक स्क्वाड रहता है और एक सोलो बंदा रहता है, और उन दोनों का फाइट हो रहा था शायद, या फिर मुझे ये नहीं पता कि टीम अप भी कर सकते, क्योंकि आप आगे मैं बताऊँ किस मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ टीम अप किए हुए थे, मैं आपके आपके बताऊँगा। इस घर में एक रहता है और एक वाइट कलर का उस घर में मतलब सैक के पास रहता है, उसे मैं डैमेज देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ग्रिप नहीं था, इसलिए थोड़ा सा स्प्रे मेरा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर मैं लेट लेट के आगे जाने लगता हूँ कि इस बंदे को नॉक कर सकूँ। वो अभी देखिए दौड़ के जा रहा था, और इसे मैं नॉक कर देता हूँ। दो स्प्रे लगा लेकिन नॉक कर दी। यहाँ पे और एक रहता है जो कि मतलब DPS मार रहा था, तो इसे तो मैं मार नहीं पाता हूँ। और उसका पार्टनर देखिए अभी जा रहा है, और इसे मैं डैमेज देता हूँ, और एक ड्रॉप भी गिर रहा देखिए आप। डैमेज देने के बाद मैं सोचता हूँ सीधा पुश कर देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉक जो किया है और डैमेज भी दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। यहाँ पे वो ड्रॉप का पीछे रहता देखिए, और इसे मैं फिनिश कर देता हूँ आते ही, और यहाँ पे इसे भी नॉक कर देता हूँ। इस स्क्वाड का अगर मैंने मार दिया तो एक लाइक बनता है इसके। यहाँ पे इसका और एक पार्टनर आ रहा था, और उसका पार्टनर देखिए वहाँ पे जम करके बॉट का मार दिया। यहाँ पे एक स्क्वाड तो क्लियर हो चुका है लेकिन वो घर वाला अभी भी बचा हुआ। हाँ, मैं अब ये बता रहा था कि देखिए मैं तो यहाँ पे आया तब वो घर वाला मेरे ऊपर फायर किया, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे तब से खड़े हैं ये फायर नहीं दिया, तो उसका मतलब टीम अप ही हो। फिर इस नेट के लिए एक लाइक बनता है, नेट के लिए एक तो लाइक बनता ही है। और मैंने बोला था कि स्क्वाड को अगर ये वाला वाइप कर दिया तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे मैं गिली सूट भी उठा,
उसके बाद मैं गटका में आके ऐसे रुकता हूँ क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था, गटका था थोड़ा बीच जोन में, तो इसलिए मैं गटका में आके रुकता हूँ। और यहाँ पे आपको एक सरप्राइज मुझे देखने को मिलेगा आगे। और हाँ गाइस, हो सकता है कि पूजा भी आने वाला है और तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ दो तीन दिन, क्योंकि हम लोग घर में ही पूजा होता है, तो इसीलिए इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि दो तीन दिन आपको नहीं मिलेगा वीडियो देखने। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा कि कम से कम लाऊँ वीडियो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि नहीं ला पाऊँगा, इसीलिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद फिर रेगुलर जैसे वीडियो आते वैसे आएंगे। उसके बाद मैं ऊपर जा रहा था इस छत में, मुझे बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि इतना बड़ा कैंपर मैं तब से यहाँ पे घूम रहा हूँ, गाड़ी निकाला इधर गया उधर गया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए दिखाया, मैंने कोई कट सीन नहीं किया क्योंकि आपको ही पता चलना कि इतना मैं घूमा तब भी वो फायर दिया नहीं, और आगे से कहीं से फायर आया था, इसलिए मैं जाता हूँ इसके छत में कि मैं मार सकूँ। लेकिन जैसे मैं छत में आता हूँ एक तो M249 लेके लेटा हुआ, मतलब आप देख ही सकते हैं ऐसे ऐसे कैंपर मिलते हैं, और यही अगर थोड़ा सा अगर मैं लेट कर जाता तो वो आराम से मुझे मार देता। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा कैंपर रहता है, इस कैंपर के लिए एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, इस कैंपर के लिए तो सब्सक्राइब बनता है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो आगे चलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर रुकता हूँ क्योंकि ऊपर से मेरे ऊपर फायर हुआ था, मतलब पहाड़ से कहीं से फायर हुआ था। तो मैं यहाँ पे जैसे आता हूँ मुझे फुटस्टेप आता है, उसके बाद फिर देखते देखते ये दो फुटस्टेप में तब्दील हो जाते हैं। तब मैं एक नेट घिसता हूँ डर डर के, क्योंकि पहाड़ वाला भी था तो वो मुझे मार सकता था। यहाँ पे एक नेट फेंकता हूँ लेकिन उससे कोई नॉक नहीं होता है, वो लोग भी सीढ़ी पे नेट फेंकते हैं, उससे भी मैं तो जाता ही नहीं हूँ। तो वो क्या करता है इस साइड से आने लगता है, तो मैं यहाँ पे नेट फेंकता हूँ लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम हो गया था और इसे मैं नॉक कर देता हूँ, और मिस टाइम नहीं हुआ था, कैंसिल मैंने दबाया था लेकिन कैंसिल क्लिक नहीं हुआ। यहाँ पे इसका पार्टनर इधर से उधर दौड़ रहा है क्योंकि उसको भी रिवाइव देना है और मारना भी है उसे भी मुझे, तो यहाँ पे वो इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन वो जैसे ही आता है यहाँ से तो मैं उसे भी मार देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ ऊपर पहाड़ से कहाँ से मार रहा है वो, देखिए डैमेज फायर कर रहा है, उसके बाद मुझे वो दिखता है। और ये स्प्रे आपको कैसा लगा बताइए, ऑग का तो मतलब रिकॉल है ही नहीं इसलिए ऑग मैंने उठाया, देखिए खड़ा खड़ा इतना स्प्रे अच्छा गया, लग रहा है कि मतलब लेट के जैसा स्प्रे देता है वैसे खड़ा खड़ा ऑग से स्प्रे जाता है, तो ऑग अच्छा गन है मतलब स्प्रे के मामले में, और खाली इसका रिलोडिंग टाइम के कारण ये मार खा जाता है, बाकी बहुत ही अच्छा गन है। उसके बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप लूटने, ग्रोजा वोजा अगर मिल गया तो अच्छा है, लेकिन पीछे से मेरा ऊपर फायर हो जाता है, और यहीं पे वो रहते हैं ऑफ वाले M249 और SKS वाले, ऑफ से तो मैं एक को नॉक कर देता हूँ लेकिन उसे मैं फिनिश नहीं कर पाता, और ये थोड़ा गलती हो जाता है मुझसे, इसका मुझे भरपाई भी करना पड़ेगा आगे। तो यही लास्ट स्क्वाड बचते हैं जिन्हें जिसे मुझे मारना है, तो यहाँ पे मैं पीक नहीं देना चाहता था क्योंकि आपको ही पता ऑम है और क्या ही पीक देखे मतलब मर जाऊँगा, इसलिए जब मतलब तब भी पिक दे के डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ओम है ही यहाँ पे और शिक्षक भी है ही मेरे पास, तो अब थोड़ा सा इन लोगों को अपना ओम का जलवा दिखाया जाए, लेकिन पहला जलवा तो फ्लॉप हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं देखने लगता हूँ लेकिन कि पेड़ से एक पिक करता तो उसे बॉडी कैसे लगता मुझे ये नहीं पता, परफेक्ट हेड था नहीं पता, कुछ होगा दिक्कत हुआ वो कुछ यहाँ पे, तो वो बॉडी का क्या पिक ही नहीं कर रहा था। और पीछे से जोन आ रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं है कि पीछे से जोन भी आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या ही इंटेंस सिचुएशन है, और यहाँ पे इसे मैं नॉक कर देता हूँ, और इसे भी बॉडी मतलब मारा तो सही एकदम परफेक्ट लेकिन उसे लगा नहीं कैसे नहीं पता। तब मैं आगे जाता हूँ, ये लोग पूरा फायर दे रहे थे मेरे ऊपर, और इस यहाँ पे इस शॉट के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना, अच्छा शॉट मारा ना इस लाइक के तो बनते ही शॉट के लिए लाइक। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नहीं लग रहा था ओम का गोली, इस पेड़ वाले को नहीं पता क्यों नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैं अपने आप को बूस्टर भी करता हूँ क्योंकि जोन देखिए मुझे जोन में तो जाना ही है, और यहाँ पे मेरा हालत ख़राब है। उसके बाद मैं स्मोक बॉल बना के आगे
जाने लगता है, लेकिन वो लोग स्प्रे दे देते तो मैं थोड़ा सा फिर से वापस आके फिर वापस आगे गया। तो ये आप ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि वो लोग तो पता नहीं और वो लोग आगे ही जाते रहेंगे। तो ओम से मैं एक शॉट देता हूँ, उसके बाद फिर बैरल से इसे नॉक कर देता हूँ और नॉक के साथ सीधा फिनिश कर देता हूँ। और मुझे डर भी लग रहा था पिक करने में कि ओम है लोगों पास ग्रोजा भी है तो यहाँ पे बचना तो नामुमकिन था, लेकिन देखिए आप जैसे तैसे सर्वाइव तो किया है और एक बंदे को भी मारा है। तो यहाँ पे फिर जोन के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सीधा से जाता तो मुझे मार देते, इसलिए मैं घूम के जाता हूँ और यहाँ से मुझे डैमेज भी मिलता है। देखिए उसके बाद मैं गाड़ी खोजता हूँ, लेकिन गाड़ी पीछे ही जोने में रह गया था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इस डब्बे के पीछे बैठ जाता हूँ और वहाँ पे देखिए वो ओम वाला दिखता है, उसी के पास ग्रोजा भी था। वो देखिए डैमेज मुझे गोली छुआ कि नहीं, डैमेज हो गया, हेड मारा होगा। अगर मैं आगे वाला को नॉक करता हूँ लेकिन पीछे वाला मुझे मार देता है। तो यही था आज का गेम प्ले वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो से, तब तक ओके बाय।